In Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna said to Arjun, Patram Pushpam Phalam Toyam Yomi Bhaktaya Prayachate. Satya hi kaha hai, Bhagwan Shiv ki jab main ek kahani sunta hun, to mujhe Bhagwan Krishna ka ye shlok aksar yaad aa jaya karta hai. Ek baar ki baat hai, ek chor hua karta tha. Jab chori karne ke liye usse kuch na milta, तो वह छोटी मोटी चोरी करके ही अपना दिन भर का गुजारा कर लिया करता। एक बार वह एक रास्ते से गुजर रहा था और पूरे दिन से उसे चोरी करने के लिए कुछ मिला नहीं था। शिवरात्रि का दिन था वह। उसने देखा कि वैसे तो मंदिर से उसे कोई लेना देना था नहीं, पर जब उसने देखा कि एक सुंदर सा पीतल का घंटा एक मंदिर पर टंगा हुआ है, तो उसने सोचा क्यों ना यही चोरी करके इसे बेचकर मैं अपने दिन भर का गुजारा कर लूं। उसकी कद काठी उतनी अधिक नहीं थी कि वो आसानी से घंटे को उतार सकता। उसने देखा एक लंबा सा शिवलिंग वहां है। उस मूर्ख ने शिवलिंग के ऊपर ही अपना पैर रख दिया जिस पर चढ़कर वह घंटे को उतार सके। किंतु उसके उपरांत हुआ क्या, घंटियां बजने लगी, आंधी चलने लगी, बुझे हुए दिए स्वयं ही जल गए। ओम नमः शिवाय के नगाड़े से बजने लगे और एक तेज रोशनी के साथ वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उसका वध करने के लिए नहीं नहीं, बात तो कुछ और ही थी। जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए तो वह उसी वरदान मांगने के लिए कहने लगे। यहां चोर डरने की जगह आश्चर्यचकित हो गया। उस चोर ने पूछा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे वरदान क्यों देना चाहते हैं? मुझसे तो इतना बड़ा पाप हो गया है। तो भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, कैसा पाप? कोई तो मुझ पर पुष्प चढ़ाता है, कोई मुझ पर जल चढ़ाता है, कोई मुझ पर दही चढ़ाता है, तो कोई दूध। ही प्रिय मनुष्य, तुमने तो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा दिया। तुमने स्वयं को ही मुझ पर, अपनी आत्मा को ही मुझ पर अर्पण कर दिया। ये कारण है कि भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं। एंड डेट इज द रीजन मे बी लॉर्ड कृष्णा सेड इन भगवद गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति।